guys, I'm going to solve this question. Right? Those who are solving, those who have confidence, the answer आ जाएगा. You can carry on. तब तक मैं solve कर रहा हूँ, ठीक है? So, the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:2. Yosh, yosh, yosh. नहीं ना यार, थोड़ा कुछ अलग ही लग रहा है मुझे. The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. And its perimeter is 300 meter. नहीं नहीं यश, find its area. तो सिंपल सी बात है, पहले साइड्स, जब साइड दिया है रेशियो में 3:5:7, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यस श्रुति सही है, करेक्ट. लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 3x, 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली, ठीक है. अभी x लिया ना, तो ये रेशियो है, तो हमको पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तब तो हम निकाल पाएंगे. तो पेरीमीटर है 300 मीटर, मतलब पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैंने लिखा 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना है, 300 मीटर. आर्यन थोड़ा गलत हो गया यार, इक्वल टू 300 मीटर, राइट. सो कितना, 5 और 3 8 और 8 और 7 15x. तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 by 15, 15 20 20. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितना अच्छा बोलते हो. सो साइड्स 3x, तो 3 into 20 कितना हो गया, 60 मीटर जो आ जाएगा. सर क्या मेरा आंसर करेक्ट है? तनिष्क, मैंने बोला था कि मेरे पास जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं है डियर, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो स्क्वायर रूट के ही फॉर्म में दीजिए, डेसिमल में मत दीजिए. ओके सर, प्रयाग को मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. सर मैंने गलती से ऑन कर दिया था. अरे गलती से नहीं भाई, सही किया, ऑन करना चाहिए कभी कभी. हेलो, हाँ हेलो सर, क्या एक्चुअली आपका वीडियो फ्रीज हो गया है? सर वॉइस क्रैक हो रही थी सर शायद से बीच में. हो गया सर, हो गया हो गया, दिख रहे हो सर. आप क्या मेरा आंसर करेक्ट है? तनीश बहुत ज्यादा गलत हो गया यार, मैंने मन कर रहा है ना कि मैं 5 मिनट घड़ी से देखकर रहूं, इतना आंसर ऐसे ऐसे आपसे उम्मीद नहीं थी, कुछ तो गलत किया आपने. 5x, ओके सर, आप मुझे रुलाते रहते हो. आर्यन जी, आदित्य पीसीएमसी सही है. आर्यन फिर से थोड़ा गलत कर दिया यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते. सर वो उधर वो 60, 100 और फिर 140 आएगा ना, 140. तो सर लाइक पेरीमीटर उसका 300 हो जाएगा, इसलिए सेमी पेरीमीटर भी 150 हो जाएगा ना सर. एंडिंग में सर ये 3 into ये बाहर क्या क्या आ रहा है सर? हाँ वो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो देखो सर, एंडिंग में वो रूट 6, 6, 7, 5, 4, 0 मतलब 4, 0. पेरीमीटर 300 है तो s कितना हो जाएगा, 300 का हाफ 150. मेरा आंसर रूट ऑफ 675 0000 वैसा ही आ रहा है. ओके ओके, देखते हैं ना, घबराना नहीं चाहिए, एक कूल रखिए, ऐसा बोलते हैं ना सेम ईयर सर, दिमाग में ना आइसक्रीम रखना चाहिए और मुंह में शुगर रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सर. वो जो तनिष्क और वो यश बोल रहे हैं ना, उसका स्क्वायर रूट ही आंसर है सर. सर तो मैंने वही तो भेजा ना सर, मैंने भी मैंने नहीं बोला, आपने डेसिमल करना था. हाँ आपने डेसिमल में शायद भेजा है तनिष्क सर, वो बहुत सिंपलीफाई हो सकता है सर. हाँ वही 100 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा. ओके ओके ओके, थोड़ा मैं सॉल्व कर लूं. एस की वैल्यू 150 रख लो, 150 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है, 60. 150 माइनस 100 और 140
इसको प्यार से बस सॉल्व करना है, प्यार से। गुस्सा करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर मत बोलना कि सर गलत हो। सो 150 माइनस 60 कितना हो गया? 90। 150 माइनस 100 50 और 150 माइनस 140 10। तो 10 तो 900 तो ऐसे ही 30 दिख रहा है। हाँ सर 30, ये 30 दिख रहा है, तो 30 बाहर निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं। अब देखो 5 है, 1500 इंटू 5 कर दिया, राइट? सही है? हाँ सर। हाँ सर सही है ना सर, तो 10 बाहर निकल जाएगा सर। तो ये 10 बाहर हो गया, मतलब 100 है, 15 इंटू 100 इंटू 5, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 300 हो गया। हाँ सर। और ये 75 है, 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ सर 75, हाँ सर बराबर। और प्यार से 5 ले लो बाहर, तो 1500 रूट 3। वो सर, सर मैंने वो ना इंटू क्या सबका और सिर्फ 100 ही बाहर निकाला रूट के, इसलिए ऐसा हो गया ना यश। और हमने और सिंपलीफाई नहीं किया। हाँ मैंने ये किया था बस, वो मैंने सिंपलीफाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली रूट के अंदर ये एरिया दे दिया। हाँ अब हमने पूरा दे दिया, सिंपलीफाई नहीं किया उसको, कोई बात नहीं सर। बोले कि तनिष अपने दिल दुखा दिया। सॉरी नहीं, आपने मुझे लगा आपने डेसिमल में दिया था ना, तो मेरे पास डेसिमल में आंसर नहीं था। ओके सर। आपने दिल नहीं दुखाया, अभी खुश हो गया मैं, जाने दो। चलो हैव यू अंडरस्टूड मिताली, यू अंडरस्टूड कहाँ पे गलत हो रहा था आपका? मिताली आई थिंक आप एक्स सर मैंने फैक्टराइज किया। अच्छा आई थिंक मे बी सर, उसकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ मिताली। हाँ सर। मिस्टर सर मैंने फैक्टराइजेशन के अंदर गलती की है। चलिए हो गया, लिख लिया सबने? हाँ सर लिख लिया सर। यस सर। सर 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वो 30 बाहर निकालने के बाद रूट के अंदर मतलब 3-0 आना चाहिए ना, वो रूट के अंदर 3-0 कैसे आ जाएगा सर? 1530 एक मिनट, 90 इंटू 10 कितना हुआ? 900 हुआ। अरे हाँ यस उतरी। सॉरी सर। इट्स ओके सर, वो और एक क्वेश्चन दे दो सर। हाँ मुझे, चलिए सबने लिख लिया है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था अंदर। क्या नहीं समझा तनिष्क, जल्दी बताए क्या नहीं समझा सर? वो उधर 1500 इंटू 5 का 25 इंटू 3 कैसे हो गया? अच्छा बहुत ही, कितने प्यारे वाह। देखो 5 ये है ना, 15 5 जब कितना हो गया 75 को हमने ऐसे लिखा जैसे कि 25 इंटू 3, 25 3 जब 75 होता है ना। वो सर दो जीरोस का क्या उधर? अरे दो जीरो को 1500 को 15 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। और 110 हर, हाँ हाँ ओके सर। देखो आपको समझ में आता है, आप मजाक करते हो मेरे से। चलो ओके बोला ना, मजाक करते हो, ओके बोल ही दिया आपने। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी को अगर समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क द लेंथ। नहीं सर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए सर, आपने इतना अच्छा पढ़ा है। द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ, द लेंथ ऑफ द, the length of the sides of triangle ABC, the length of the sides of triangle ABC are consecutive integers. Consecutive integers. The length of the sides of a triangle ABC are consecutive integers. ए बी ट्राइंगल एबीसी का जो लेंथ है वो क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। इफ इफ ट्राइंगल एबीसी है द सेम पेरीमीटर, इफ ट्राइंगल एबीसी हैज द
If triangle ABC has the same perimeter as an equilateral triangle, as an equilateral triangle with a side of 9 cm. Find area, na? With a side of 9 cm, then find, बताओ क्या रहेगा? Area of the triangle. सर इसमें कितना टाइम मिलेगा? बताता हूँ. Then find the length of the shortest side. And find the length of the shortest side of triangle ABC. 3 minutes. 1.5 minutes. 3 minutes. So, मैंने send कर दिया. Okay. इतने जल्दी? इसको question already पता होगा उसने बस solve किया. नहीं सर, आप जैसे लिखते रहे वैसे मैंने solve करते रहे. क्या बात है, सोमन अमोघ. सही है, perfect. सर बहुत easy था ये. हाँ सर, तो मुझे लगा कि area निकालना है. ये 3 मिनट भी बहुत ज्यादा दे दिया एक्चुअली. हाँ सर, हाफ मिनट का ही था सर, बट कोई बात नहीं. द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. सर मैं भी कर रहा हूँ, एक मिनट. मुझे आर्यन थोड़ा गलती हो गया यार, थोड़ा सा चुप गया. मिताली परफेक्ट है, बिल्कुल सही. सर मैंने भी भेजा. तनिष्क चेहरा दिखाना, आपको क्या लग रहा है? संस्कृति सही, आपका कैलकुलेशन एरर हो गया तनिष्क, थोड़ा सा एक बार चेक करो, कुछ तो गलती हुई है एक बार. श्रुति सही है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी है, ठीक है. इफ द एबीसी हैज द सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ 9 cm. लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. 3 मिनट हो गए, कैन आई सॉल्व? यस सर. सर हाँ बोलो. आलो सर मेरा करेक्ट है क्या? एक्स हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू ना. हाँ वैसे भी ले सकते, करेक्ट. या एक्स प्लस सर इक्वल्स टू 27 आ जाएगा. राइट. फिर उसके बाद में 3x इक्वल्स टू 24 आ जाएगा सर. हाँ3x = 24 या 27 और फिर अगर x 8 हो गया सर तो फिर एक मिनट लॉन्गेस्ट देखते हैं. हाँ हमको शॉर्टेस्ट साइड निकालना है सर. वो मैंने गलती से उधर सोचा शॉर्टेस्ट साइड. अरे सर मुझे लगा कि ये लॉन्गेस्ट साइड है. अरे अरे अवधूत सही है, यश सही है, प्रयाग सही है. सर वो मैंने सर अभी सॉल्व कर 6 ले लिया सर. करेक्ट है क्या? अरे सही है. हाँ अरे सर मुझे लगा कि लॉन्गेस्ट साइड निकालना है. सर वो मैंने आंसर वो सर वो मैंने गलती से साइड को 6 cm लिया इसलिए मेरा आंसर 5 आ रहा है. तो गलती है कि नहीं है? हाँ सर है, लेकिन सर उस हिसाब से भी अगर 6 ले होता तो करेक्ट. बट नहीं उस हिसाब से नहीं, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा क्या उसका ये बताता है. नहीं सर, सर वापस करता हूँ. द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट. तो जो ट्रायंगल है उसका लगातार इंटीजर्स है, तो आप मान लो ना प्यार से एक एक्स ले लो, एक एक्स प्लस वन ले सकते हो, एक एक्स प्लस टू ले सकते हो, बहुत किसी की इच्छा हुई तो x माइनस वन ले सकते हो, x ले सकते हो, x प्लस वन ले सकते हो. तो क्वेश्चन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी हैज द सेम पेरीमीटर. ये ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर है सर्वरी सही है. ये पेरीमीटर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तनिष्क जी सही है, सेम पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर साइन 9 cm होगा, ठीक है. यहाँ पे पेरीमीटर कितना होगा? x प्लस एक्स प्लस वन. आप लोग फॉर्मेलिटी लिख लेना, एज वी नो दैट सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये सब लिख लेना, ठीक है.
तो नाइन, अब ये जो सम है एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इसकी साइड 9 सेंटीमीटर है तो उसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27, x x x 3x प्लस 4, राइट 3 प्लस 1 ना, सॉरी हमने गलती किया है, x प्लस 2 होगा यहाँ पे, किसी ने बताया भी नहीं, देखो क्योंकि मुझे लगा कि आप सही लिख रहे हो सर। क्या बात, उसने टाइम लगेगा सर ट्रायल और एरर, नहीं उलट उसमें टाइम नहीं लगा मुझे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो वो डिपेंड करता है, अगर किसी को प्रॉपर मेथड आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा संभल के, हीट एंड ट्रायल में थोड़ा गलती हो, जहां पे नहीं आ रहा है तब आप हीट एंड ट्रायल यूज कीजिए, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आ रहा है तो आप हीट एंड ट्रायल यूज मत कीजिए, ठीक है अमोघ, क्लियर ना। तो एक्स के लिए वेट है और हमसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी वाली साइड कितनी है, एक्स है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड बराबर x बराबर 8 मीटर, राइट मीटर मीटर ही दिया है ना, सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, अब मैं अभी जाएंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसमें कुछ कुछ लास्ट बताने भी होगी, लास्ट सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ओके सर एक क्लास दे दो सर। लिखो ये क्वेश्चन, पता नहीं अगर मैंने लास्ट क्लास में कराया रहेगा तो आपको बताना, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। नहीं सर नहीं कराया है सर, कराया है ये वाली क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 55 सेंटीमीटर। नहीं सर नहीं सर नहीं दिया है, ट्रेपेजियम से रिलेटेड कराया है। क्वेश्चन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 19, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर, बस वैसा ही था। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 55 centimeter, 40 centimeter and non parallel side. सर आप स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, and non parallel sides are 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Sir, area of a trapezium ka formula kya hota sir? 1 by 2 into sum of parallel sides into height. Achha, samajh mein aake kaise solve karenge? Perimeter 30 centimeter aayega. So, I'm going to solve this question. Jo log solve kare, please dhyan se solve karte rahe. Theek hai? Main yahan pe A, yes, sir. B है. एंड में भी आप आंसर दे सकते हो, मेरे सॉल्व करते बीच में अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, आपके लिए टाइम लिमिट एक्चुअली अच्छा है, मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था वैसे कि थोड़ा पी एन ए बी सी डी है, यहाँ पे क्या है पैरेलल साइड्स है 55 सेंटीमीटर, तो पैरेलल साइड्स ये है, अगर ये पूरा 55 है 55 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 40 रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 40 और ये लेकर 50, राइट यहाँ पे E दे देता हूँ और यहाँ पे F दे देता हूँ, F ये वाली, ठीक है, और सर D4 AD नॉन पैरेलल साइड्स है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है एंड 25 सेंटीमीटर,
तो ये पैरेलल है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखिए मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो 1 बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो है 55-40, हाइट नहीं मालूम है तो हाइट के लिए हम प्लानिंग क्या करेंगे, 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और एक हीरोन्स फॉर्मूला से, सॉरी या 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट और फिर हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दो, दोनों को आप इक्वेट कर दो फिर वहां से हाइट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस पहले हम फॉर ट्राइंगल, अब देख लेना इन ट्राइंगल बी सी ई एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, तो 20 प्लस 25 प्लस 15 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 25 एंड 15 हो गया 40, 30, 60 बाई 2 30 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर्यन सॉल्व हो रहा है? हाँ सर। गुड, तो बी सी ई बराबर क्या होगा, एस, बिल्कुल घबराना नहीं है, टेक योर ऑन टाइम, बी सी का ट्राइंगल एस तो एस 30 है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 30 10 5 50 सर आंसर आ गया सर, अभी मैं देखता हूँ सर कि आपका क्या आता है सर। ओके वेरी गुड, आप मुझे भेज भी सकते हैं यार, नहीं सर ऐसे ही दिखूंगा सर, मुझे अच्छा लगेगा, करेक्ट मुझे अच्छा लगेगा आपके टीचर्स 22,500। हाँ एक मिनट, तो या तो ये हो गया, हाँ 225 आ गया ना, बहुत ही बढ़िया यार, 22500 राइट, तो 225 का स्क्वायर 15 और 0 आ गया, तो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो मुझे हाइट पहले एक ही चाहिए ना ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, 1 बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, एक हाइट नहीं है तो ट्राइंगल का एरिया तो ये भी तो होता है, एक सेकेंड आप भेज रहा हूँ सर, एक सेकेंड, 1 by 2 into base मतलब 15 है into height, height CF ले लेता हूँ या H भी ले सकते हैं, equal to 150 के equal है right, तो यहाँ से height आप निकाल दो 150 into 2 by 50, ये 10 times में जाएगा, 10 to जाएगा 20 सेंटीमीटर height आ रहा है, ठीक है। अब हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो हो गया ना 1 बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है अलग नहीं है ना, पैरेलल साइड्स, हाँ सर, क्या आर्यन भेजा नहीं आपने अभी सर, गलत हो रहा सर, करेक्ट नहीं है, मेरा सेम वैल्यू नहीं आ रहा, 150 आपका आ रहा है, कुछ तो कैलकुलेशन में गलत हुआ रहेगा फिर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स सर आंसर 950 है ना, हाँ तो ये हो गया 1 by 2 into 95 right into 20 तो 2 10 जा 95 into 10 तो 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। किसी को कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में सर? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर, मैंने हैरान फॉर्मूले से नहीं निकाला, मैंने अलग ही कर दिया, लेकिन आंसर सही आया, मैंने वो ट्रेपेजियम, आंसर तो 950 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया, लेकिन मैंने ट्रेपेजियम निकाला और उसको मतलब रेक्टेंगुलर ट्रायंगल में मतलब बीच में एक हाइट निकाल दी उसकी, ट्रायंगल हो गया उस ट्रेपेजियम का, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला और फिर ट्रायंगल का सर मैं बताऊं उसने क्या किया सर, नहीं नहीं रेक्टेंगल के लिए बट 90 डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री कहाँ पे हो रहा है
सर मैंने भी वैसे ही किया सर, रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल्स में किया मैंने उसे। बट ओके रेक्टेंगल कैसे होगा भाई? अच्छा वो ठीक है लेकिन रेक्टेंगल अच्छा ऐसे किया। ओके ओके हाँ फिर ठीक है करेक्ट करेक्ट ओके डेट्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा फिर अलग अलग आप लोगों ने निकाल दिया। हाँ सर अलग अलग निकल गया। करेक्ट करेक्ट यश करेक्ट करेक्ट मुझे समझा आपने। तो मैंने भी वैसे ही किया था सर। करेक्ट हाँ डेट इज ऑल्सो वन गुड आइडिया करेक्ट वेरी गुड। लेकिन करेक्ट कैसा मतलब और एक आइडिया मतलब आया बिल्कुल सही आप लोगों ने किया कि ऐसे डिप ये कर दिया तो एक्चुअली ये हो गया एक रेक्टेंगल में और दो आई थिंक दो ट्राइंगल बन गया ना। हाँ राइट यहाँ से एक बन गया और एक दो ट्राइंगल बन गया फिर आपने अलग अलग निकाला और एड किया क्या ऐसे किया? हाँ सर मतलब एक ट्रेपेज़ियम को एक ट्रेपेज़ियम में को एक ट्रायंगल रे एक रेक्टेंगल हो गया एक ट्रेपेज़ियम का। हाँ राइट और उनके इंडिविजुअल एरिया ऐड कर दिए। हाँ करके वो भी सही है बिल्कुल सही है। आपने अलग ही निकाला था इसलिए मैंने आंसर ही मतलब बताया नहीं तो गलत नहीं नहीं बट ऐसा थोड़ी मेथड अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ मेथड अलग अलग हो सकते हैं भरोसा रखनी चाहिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स से। मेथड कैन बी डिफरेंट राइट? यस सर। समझ में आया क्या मैंने जो समझाया सबको समझ में आया? डिड एवरीवन गेट इट? यस सर। सर लेकिन आपने जो समझाया वो मुझे नहीं समझ में आया मतलब वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं समझ में आया पहले तो बात। मैंने कंस्ट्रक्शन कहाँ कुछ किया है दोस्त ये जो है जो फिगर निकाला है हाँ ये ट्रेपेजियम पहले बना दिया ये ट्रेपेजियम दिख रहा है एबीसीडी। हाँ सर फिर एबीसीडी ट्रेपेजियम दिख रहा है फिर मैंने सोचा अच्छा यहाँ से दिख रहा था कि अरे ऐसे कुछ तो होगा इसके पैरेलल एक लाइन बना दिया मैंने ऐसे अरे यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया इसके ऊपर हाइट। मैंने ये सोचा कि अच्छा ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट तो हमको हाइट निकालने के लिए व्यवस्था करनी थी तो हाइट कैसे निकलेगा ये ट्राइंगल पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया मैंने तीनों साइड्स का। समझ गया सर आपके भी मेथड। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है हमको सर डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगा। हाँ हाँ तो हमको सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो पता था हाइट नहीं पता था तो हाइट पता करने के लिए ये तीनों हीरोंस लगा दिया एक बार और एक बार 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट तो हाइट पता नहीं दोनों को इक्वेट कर दिया यहां से हाइट निकल गया फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फार्मूला लगा दिया। हां सर समझ गया सर वेरी गुड कॉल इज वेरी गुड। यस संस्कृति यस आई विल सेंड यू ना ठीक सर वो अभी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम करेंगे ना। यस यहाँ तक क्लियर है क्या यश? क्लियर हुआ क्या मिताली? हाँ सर हो गया सर हो गया सर ये भी इजी था मतलब ऐसा था वो मैं सॉल्व कर रहा था इसलिए आर्यन समझा क्या? आर्यन जी समझ में आया आपको? हाँ सर यस सर। क्या गलत हुआ था आपका? आप तो ऐसे ही कर रहे थे मेथड तो सेम सर। मैं नहीं सर मैंने स्क्वायर लिया था सर हमने ट्रायंगल रेक्टेंगल लिया। क्यों तो दुखी हो गए आप? नहीं तो दुखी नहीं होना है डियर। ओके क्या विधान समझ में आ रहा है क्या देवांश? क्या बात है आज ईशान आज बड़ा शांत है यार होमवर्क नहीं किया उसी लिए क्या आपने शांत हो आप? हेलो 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 ईशान। हाँ सर नहीं सर वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर आज थोड़ा। हाँ सर पर समझ में आ रहा है सर। शर्वरी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। लिखिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो कैन यू प्लीज वेट फॉर वन मिनट? यस यस सर आप तब तक हेडिंग डाल दो सर। हाँ आप लोग गिव द टॉपिक नेम ऑफ द टॉपिक सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सर ये लेसन मैंने पूरा कर दिया था सर मतलब छुट्टियों में।
एक्चुअली इसमें फॉर्मूलेस बहुत है ना और सर फॉर्मूलेस को मतलब ये जो डायग्राम बनाना पड़ता है सर पहले 3D वाला फिर उससे समझ आता है सर आप भी बनाने वाले हो क्या 3D हम डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम विजुअलाइजेशन का पावर इसमें ज्यादा यूज करेंगे यस सर वो आपने उसकी फॉन्ट बहुत छोटी है क्या हाँ सर बड़ा भी सकते हैं वो हेडिंग के लिए है ना बस हेडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो देखो ये चैप्टर 10th में भी है 9th में भी आपको कुछ 10th में थोड़ा और ज्यादा इसका एक्सटेंशन रहेगा ठीक है 9th में है तो कुछ चीजें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अलग अलग कुछ कुछ पहले तो मैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो हम फॉर्मूले थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे क्यूबॉइड आता है राइट हाँ सर क्यूब एंड क्यूबॉइड तो डेफिनेशन ऑलरेडी बुक्स में है मैं उसको डिस्कस करूंगा समझाऊंगा फॉर्मूले लिखाऊंगा जान तो क्यूबॉइड का मतलब हो, क्या होता है पता है आप लोगों को हाँ सर जिसके सब साइड्स अलग अलग होते हैं पर वो 3D होते हैं मैच बॉक्स राइट मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड हो गया ठीक है तो क्यूबॉइड के बारे में अगर जानना है इस फिगर उसका एक बना देता हूँ आपको खुश हो जाओगे और क्या सर आपने एकदम करेक्ट एग्जांपल दिया मैच बॉक्स का देना पड़ता है तो इसके अंदर शायद से होता है सर दो ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का फीचर सर रेक्टेंगल का सर आप ऐसे डॉट डॉट क्यों बनाते हो सर नहीं नहीं वो बन जाता है डॉट डॉट में नहीं बनाता वो सर इसलिए सर फ्री एंड बेस्ट वो फ्री से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है सही है क्या हाँ सर सही है एकदम हाँ सर वाह क्या दिख रहा है ये थोड़ा चूक गया है यहाँ सर वो बीच नहीं सर नहीं सर आ रहा है अच्छा है सर तो ये क्यूबॉइड है ठीक है ना ये क्यूबॉइड है आपको पता है क्यूबॉइड में एजेस कितने होते हैं सर आठ आठ क्यूबॉइड में एजेस आठ होते हैं नहीं सर बारह सर मैं वर्टाइसेस बोल रहा हूँ आठ ना बारह बारह अरे हाँ 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 बारह एजेस तो 12 एजेस इसके 12 एजेस होते हैं राइट वर्टेक्स कितने वर्टेक्स सिंगुलर होता है वर्टाइसेस होता है प्लूरल हाँ सर वर्टाइसेस आठ ये भी इम्पोर्टेंट है जानना राइट तो वर्टेक्स जो वर्टाइसेस होते हैं आठ होते हैं अरे आज तनिष किधर गया अचानक गायब ही हो गया गुड इवनिंग सर हेलो हाय गुड इवनिंग चलिए फेसेस कितने होते हैं हमारे पास तो फेस एक होता है क्यूबॉइड के पास कितने फेस होते हैं सर सिक्स सिक्स फेसेस ठीक है इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग फेस हो गया एज हो गया वर्टाइसेस हो गया लेटरल फेस किसको बोलते हैं लेटरल फेस सर साइड बाय साइड जो होते हैं सिर्फ टॉप और बॉटम को अगर हटा दिया जाए तो लेटरल फेस उसको बोलते हैं जैसे अगर एक रूम है तो ऊपर और नीचे को अगर हटा दो मतलब फोर वॉल्स ऑफ अ रूम को हम लोग लेटरल फेस बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया सीलिंग और फ्लोर निकाल दिया राइट 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 ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें जानना ठीक है लेटरल फेसेस सर लैटरल का मीनिंग ही होता है साइड बाय साइड ऑल द फेसेस एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम ऑल द फेसेस एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम फेसेस आर कॉल्ड द लैटरल फेस ऑफ द क्यूबॉइड called lateral faces of the cuboid ठीक है कोई दिक्कत है
इसी से आता है पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व मतलब भी यही समझना है। टॉप हम एग्जांपल देंगे अलग अलग चीजों पे वहां पे। तो फिलहाल लेटरल फेसेस का मतलब क्या होता है कि टॉप और बॉटम को हटा दो तो बाकी सब आ जाएंगे लेटरल फेस। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है क्या? ओके ठीक है। इसके बाद क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के बारे में हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्यूबॉइड के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो क्यूबॉइड के बारे में सरफेस एरिया से रिलेटेड बातचीत करेंगे, डायगोनल से रिलेटेड बात करेंगे, वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे। चलेगा? हाँ सर। एक को उठाएंगे, एक को उठाएंगे, एक ज्योमेट्री फिगर्स को लेंगे, उसे खत्म करेंगे। एक उठाएंगे फिर उससे खत्म करेंगे, नहीं तो सारे एक ही बार अगर मैं फॉर्मूले अगर देते जाऊं ना तो फिर आप बोर हो जाओगे, बोलोगे सर थोड़ा क्वेश्चन दो ना सॉल्व करने के लिए। तो हम इस तरीके से हाँ सर। तो क्या सर क्यूब और क्यूबॉइड करके फिर क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्यूब तो सेम ही है ना, क्यूब थोड़ा सा डिफर है वो मैं बता दूंगा दोनों। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। एक मिनट सर। ओके यस सर। इसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट? एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल हो गया उसमें, अगर मैं बात करूं उसको टी एस ए इन शॉर्ट बोलते हैं। मैं यहां पे ऊपर में लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, टोटल टोटल सरफेस एरिया। यस संस्कृति, यस यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है ये अलग अलग, जैसे मैच स्टिक है ना, जैसे ये एक बुक्स है, मान लो मेरे भी पास नोटबुक होता है, आपके के पास नहीं है, मैं आप मेरे पास रहता है, ठीक है? तो दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो ये भी क्यूबॉइड है क्या, है ना? हाँ सर बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो होता क्या है कि देखो, एक तो एल इंटू बी होता है, तो हर कट वाइज एक लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, एक ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, और एक लेंथ बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट? तो हर सर, कट बी एच सर बी एच होल रेस टू फोर, मतलब होल मल्टीप्लाइड बाय फोर प्लस एल इंटू बी होल मल्टीप्लाइड। हाँ, मतलब ये जिस मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसा है कि हर केस इसका देखो रेक्टेंगुलर है, ऊपर का जो ये फेस है ये रेक्टेंगुलर है, इधर का रेक्टेंगुलर है, इधर का रेक्टेंगुलर है, इधर का रेक्टेंगुलर है। तो करते क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया जितना पॉसिबिलिटी है तो उसमें दो ही केस, तीन केस होगा, एक एल इंटू बी होगा, एक ब्रेथ इंटू हाइट होगा, और एक हाइट इंटू लेंथ होगा, और दो दो बार मल्टीप्लाई होगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है यहाँ पे। तो मैं फॉर्मूला बन गया, ये याद करने का तरीका क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है? ऑफ कोर्स ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। हाँ जी आर्यन बोलिए। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी होल मल्टीप्लाइड बाय, और फिर प्लस 4 इंटू होल मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एच। 4 क्यों? क्योंकि सर 1 2 3 4 हो गए ना सर। 2 एल बी है, 2 टाइम्स ऑफ बी एच है, 2 टाइम्स ऑफ एल एच है, सर 4 इन बी इंटू एच हो जाएगा। 4 क्यों होगा, 2 इंटू एल इंटू बी लेंथ के सर, क्योंकि देखिए सर एक जो ट्राइंगल है सर वो पतला वाला सर, एक मिनट ये देख, इधर सामने देखो। हाँ सर। ये ऊपर वाला एल इंटू बी ले ले। हाँ सर। ये दो बार है। हाँ सर। तो 2 इंटू एल बी हो गया, राइट? हाँ सर। ये क्या है, बी और एच है क्या, इसको हाँ क्या लेंगे? तो दो हाँ बार है, 20 और 20 हो गया। यस। और एक केस कौन सा बचा? अरे हाँ सर, ये अलग हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट।
समझा क्या सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, हाँ सर, एकदम मस्त। थैंक यू। इसके बाद आता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है श्रुति, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे का हटा दो, टॉप और बॉटम। टू इनटू एलएच हो जाएगा ना, एल भी निकल जाएगा। हाँ, उसमें क्या होगा कि ऊपर और नीचे का हट जाता है, तो इसका ये बन जाता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, मतलब एल एच बी एच रह जाता है। ठीक है, इसमें क्या हटा, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एल एच एल बी हटा है, राइट, टॉप और बॉटम हट गया है बेसिकली। सर ऐसे भी ना, टू इंटू बी एच और फिर टू इंटू एल एच। हाँ वही है, करेक्ट। प्लस हम इसको ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए टू एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर केजीएम नहीं है भाई, अब देखो अब अप्रिशिएट करो तो भी सर केजीएम लेते हो आप। अरे नहीं सर, नहीं नहीं, हम सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे ही करते हैं, राइट। आप कभी भी ऐसे देखो, मैं बोलता हूँ अरे हाँ ठीक है, तो अब तो भी आपका एंथुजियाज्म डाउन हो जाता, आप लोग निगेटिव बहुत सोचते हो। हेलो सर, ये फॉर्मूला ऐसे लिखने के एकदम। हाँ हाँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इनटू l प्लस b इनटू h। चाप तो मैंने मतलब 2 h l प्लस b लिखते हैं। हाँ सर, स्कूल में भी वैसे ही सीखा था। वो भी चलेगा, दौड़ेगा। तो दो दो लिख सकते हैं फिर। अरे दोनों तो एक ही फॉर्मूला है ना दोस्त, आपको जिस तरीके से याद रहे वो लिखना है, एग्जाम आपको देना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। क्लियर है यहाँ तक किसी का? तनिष क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सर? ओके सर, क्लियर है सर। अच्छा, एक फिर वैसे ही होता है कि डायगोनल का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना होता है, वो भी कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो हो जाता है वो स्क्वायर रूट के अंदर में एल स्क्वायर, तो डिराइव कर दिया सर इसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, क्या किया आपने, कैसे किया सर? तो मुझे क्या लग रहा है सर कि सर अगर एक डायगोनल हो जाएगा सर, ठीक है सर, तो फिर एक तो हो जाएगा एल इन टू बी, ठीक है सर, प्लस नहीं नहीं सर, एक हो जाएगा बी इन टू एच सर, प्लस एल इन टू बी, ठीक है सर, और फिर उसके बाद ना सर ये हाइट वाला जो सर ट्राइंगल है वो सर, बस सर, दिस वुड बी इक्वल टू सर द होल एरिया डिवाइडेड बाय टू, राइट सर, तो उससे डायगोनल निकल जाएगा। सर क्यूबॉइड के भी दो ही हो गए ना सर, कि चार हो गए सर? डायगोनल, डायगोनल सर चार, चार। ओके सर, क्यूबॉइड के चार होते हैं सर। इसका लेंथ है क्या, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी? हां, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर में एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला। हर डायगोनल का मतलब ये होगा सर, ये जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया ये डायगोनल है ना, राइट सर? व्हाई आर वी राइटिंग स्क्वायर का रूट, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली राइट? हां मतलब बेसिकली यू वांटेड टू आस्क कि सर ये डायगोनल ऑफ अ क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कैसे है, राइट सर? उसका डेरिवेशन है ना सर। सर व्हाई डोंट वी डायरेक्टली राइट एल प्लस बी प्लस एच? हाँ सर, क्योंकि वो स्क्वायर है ना सर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ओ, ये सबसे बड़ी ब्लंडर होगी सर, ब्लंडर है, ब्लंडर सर, क्योंकि वो होल स्क्वायर नहीं है प्लस सर। है, हाँ, बीच में प्लस है, अगर यहाँ पे इनटू होता ना तब हम एल बी एच लिख देते, तब 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 तो वो बॉडी मूव करता, ब्लंडर हो गए सर, कोई बात नहीं। बट यू अंडरस्टूड ना मिताली, नील? हाँ सर, अभी समझे। सर मेरा वाला भी करेक्ट है ना सर? हाँ करेक्ट है
सर और फिर अगर उसका अगर सर निकाला ना सर डायगोनल का वो ये करके तो सर यही आता है सर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला राइट. देखो अलग अलग इसमें एक तो ये भी डायगोनल हो गया यहां से अलग अलग मतलब टोटल फोर डायगोनल्स होगा यहाँ देयर विल बी टोटल फोर डायगोनल्स. इसका नामकरण एक मिनट इसको हटाइए आप लोग जरा जिन्होंने एनोटेट किया उसको थोड़ा फटाफट हटाइए. हाँ यस थैंक यू. ओके तो, सर मुझे वो नहीं समझा सर वो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम l plus b plus h क्यों नहीं लिख सकते. अरे मेरे दोस्त क्वेश्चन था ना कि ये स्क्वायर यहाँ पे इनटू होता ना कट कर सकते हैं ना ये प्लस है आप अलग अलग इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो. मेरा बोलने का मतलब ये है दिस इज नॉट इक्वल टू लाइक l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है ये बिल्कुल सरासर गलत है हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं. सर वो अगर LBH the whole square और वो फिर square नहीं नहीं सर वैसे नहीं बोल रहा था सर. हाँ सर वो LBH direct बोल रहे हैं सर L plus B plus H. हाँ तो भी गलत है ना. हाँ सर तो भी गलत है सर. वो क्यों नहीं लिख सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए. ये पूरी square bracket है independent थोड़ी है. अगर ऐसे होता ना ये चीज ऐसे होता तब आप लिख सकते थे L plus B plus H. अगर ऐसे होता एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर तब आप बहुत शौक से हंसते खिलखिलाते हुए लिख सकते थे अच्छा इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट है तो एल प्लस बी प्लस एच हो जाएगा. बट बिकॉज ये सारे जो टर्म्स है ऑपरेटर से सेपरेट किए गए हैं तो वो डिफर करेगा दैट विल नॉट बी द सेम. वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. हाँ मल्टीप्लिकेशन होता तब अपन कुछ भी कर सकते थे. मल्टीप्लिकेशन तो होता तो क्या होता सर. मल्टीप्लिकेशन होता तो वॉल्यूम फिर बन जाता हो LBH आ जाता वॉल्यूम बन जाता. सर ये मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ना बहुत अच्छे होते हैं सर कैंसिल करने में बहुत मदद करते सर कोऑपरेट करते हैं सर मतलब कैसे भी किया तो. राइट राइट तो सब कुछ समझ में आया क्या अभी. हाँ सर पक्का. यस सर 100%. थोड़ा नामकरण कर देता हूँ इसका उदास लग रहा था बिना नाम का. सर पर आपने सर एक चीज ही सर आपने मिस कर दी सर एकदम मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर. एक मिनट. हाँ क्या क्या मिस किया हमने. स्माइली फेस. अच्छा अच्छा वो तो अभी खत्म नहीं हुआ ना. अभी वॉल्यूम बाकी है. वॉल्यूम बाकी है ठीक है. यहाँ तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत है बताइए. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये समझ में आया क्या. यस सर. यस सर पक्का. ओके ठीक है. ठीक है सर आप एक बार सारे फॉर्मूले को बॉक्स कर दीजिए ना सर. बॉक्स इसमें जगह ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली. ठीक है सर तो अंडरलाइन कर दीजिए. हाँ ये चलेगा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. हाँ सर अंडरलाइन कर दो. एक काम करता हूँ सर्कल ही बना देता हूँ आपके लिए. किधर अंडरलाइन करूँ ये. अच्छा ठीक है ठीक है. एक काम करता हूँ ये है सर नहीं तो वैसे भी हम नोट्स में लिख रहे हैं ना. मैं हाईलाइट एक बार कर देता हूँ यहाँ पे ना. ये फॉर्मूला हो गया 2 into L plus B into H. चलेगा इस तरीके से देवांश. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये है. हाँ सर ये चलेगा. तो मैंने तो सर डिराइव किया सर और डायगोनल सर. बहुत अच्छी बात है. ओ बहुत आसान है एक्चुअली. ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया 2 इनटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर ठीक है. तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल जो हो जाता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है.
बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है समझने में? बोलो सर, आपने वो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड नहीं समझाया ना सर, मतलब वो कैसा आता है? अच्छा डायगोनल ऑफ क्यूब, अच्छा बताइए कितने लोगों को समझ में आया है कि डायगोनल ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐसे? हाँ सर, मैंने भी डिराइव कर लिया सर। क्या किया आपने, कैसे किया सर? सर मैं बताऊं? बताइए सर। पहले जो सर ये क्या लिखा है सर, एफ के नीचे सर? जी जी हाँ सर, जी सी डी एच है ना जी, उसका हाँ, राइट। उसका मैंने डायगोनल निकाल लिया सर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सर, उससे भी सेम ही मेथड किया सर मेरे से। पाइथागोरस किया सर उसने। हाँ, पाइथागोरस से आपने क्या किया, डायगोनल निकाल लिया। हाँ सर, डायगोनल सर आप वहां ड्रॉ कर सकते हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग का कितना कैसे मेथड ये किया, राइट? और ये किया हाँ सर, एकदम करेक्ट सर। सर और जो एच ई है ना, नहीं सर एक ही काफी, एक काफी है वैसे। हाँ हाँ सर, हाँ सर एच एच ई है ना एच ई, हाँ वो हाइट ले ली, और एच सी है ना एच सी, उसे मैंने बेस ले लिया, और एक मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल निकाल लिया। तो राइट एसी हो गया ना डायगोनल। हाँ, फिर आपने इसको यानी इसी को ज्वाइन किया रहेगा ना? हाँ करेक्ट सर, हाँ सर, उसी को ज्वाइन कर लिया और आ गया सर आंसर। वेरी गुड, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल, दिस शुड बी इक्वल टू सर। तो बेसिकली इन्होंने ये किया है कि ये एच सी स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर इक्वल टू दिस, राइट? ये ना आपने, ये 3D फिगर है, तो बेसिकली यू हैव अज्यूम किया 90 डिग्री है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताइए क्या सर? ओ सर, यस सर, यस सर, आपने पाइथागोरस बेसिकली यूज किया। हां हां सर, बराबर, सिंपल, राइट? आपने मतलब यही हो गया एच ई स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर। हां सर, करेक्ट करेक्ट, वही किया बिल्कुल। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट इट? क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री है एक्चुअली। Sir, and then this would be equal to half na of area of cuboid. Area kya bol raha hu? Ye volume. One by volume ho gaya L into B into H. Nahi sir, wo independent hai volume se. Isse wahi jisme yahan pe dekh raha hu. Ye to ho gaya. Filhal, but half kaise hoga area? Aap kaise soch rahe ki half hoga ye? Matlab sir? आपने क्या बोला कि इसका जो एरिया होगा, ये ट्राइंगल जो एरिया है वो हाफ होगा, आप ये बोल रहे हो ना? हाँ सर। बट क्यों हाफ होगा वो मैं पूछ रहा हूँ सर, कौन सा एरिया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने आप ही का जिस स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, आपने क्या बोला अभी? ये वॉल्यूम का बाय टू सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आधा होगा ये, क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, उसकी वजह से हाफ हाफ हो जाएगा वो। हाँ, क्यूबॉइड वो बोल रहा है वो। इस अच्छा, इसकी वजह से या राइट करें, वो क्यूबॉइड हाफ हो जाएगा और फिर वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा। हाँ ऐसे, ओके, पूरा मतलब, ओके ओके, मतलब हाँ सर, सर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर बोल रहे हैं। तो वही मुझे लगा कि ऐसे कैसे होगा, इसके डायगोनल से भी पूरे वॉल्यूम पे, ओके ओके ओके, वो मतलब डायगोनल की वजह से क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम हो जाएगा डेट विल बी मतलब हाफ हो जाएगा, राइट? तर ऐसे वो कट हो जाएगा ना उसके। हाँ, दो दो पार्ट्स पर ये जो डायगोनल का जो फॉर्मूला ना सर, वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूबॉइड, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाँ करेक्ट है ना सर? यस सर, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं तो आपने एक ही उसी चीज को डायरेक्ट, अगर जैसे सोमा ने कैसे बोला कि सर डायगोनल की वजह से कि मतलब जो ये एरिया होगा वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो मतलब इसकी वजह से ड्यू टू द डायगोनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी हाफ, राइट? करेक्ट सर। यस, सो समटाइम्स यू नो डिलीवरिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या नाम है, तो कि समझ में आया क्या कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो है, सिंपल सा हमने काम यहाँ पे किया कि ये एच ही है, सी एच है, और एक डायगोनल हो गया एक तरीके का, ये देखो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया, राइट? पाइथागोरस थ्योरम से आ गया ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे एच ई और सी एच है और सी ई है, राइट? तो इसकी मदद से हमने डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड लाया यहाँ पे। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आ रहा है।
हाँ सर समझ गए सर। हाँ सर सर मुझे भी समझ रहे आपको समझ में आ रहा है। अच्छा सर वो प्रैक्टिकली जब वो सॉल्व करेंगे ना तो इजी हो जाएगा सर बहुत। राइट आई थिंक कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ मुझे नहीं आया सर। मुझे मालूम था कि नहीं आ रहा है। सर YouTube पे देख के समझ आएगा ना मतलब। नहीं बट YouTube पे देखने की क्या जरूरत है अभी। ना अभी नहीं बाद में क्लास के बाद। सर हाँ बोलो। आपका सर दिमाग सर कितना मस्त है सर। आपने आपके दिमाग में सर बोल दिया हाँ किसी को तो नहीं समझ पा रहा सर। हाँ वो टीचर सर नहीं तो पता चलेगा। सर आई स्वेयर सर बहुत इजी हो जाता है सर जब खुद से करेंगे तो। तो उसका डायगोनल पहले तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। राइट राइट और उसके बाद उसमें एल स्क्वायर ऐड हो जाएगा सर। अंडर रूट एल स्क्वायर देखो ईसी स्क्वायर जो होगा ईसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ पहले। ईसी जो स्क्वायर होगा क्या वो किसके इक्वल हो जाएगा सर। हाँ सर एक और सर मुझे शायद से आया है सर। हाँ सर कैन आई एनोटेट। एनोटेट आप करोगे। हाँ सर जस्ट वेट अ सेकंड। यहाँ ये तो ठीक है नहीं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट और कितना आसान तरीके से मैं समझा पाऊँ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ऐसा क्यों है। आपके क्या क्या एनोटेट का ऑप्शन सर कर सकते हैं मुझे आपको दिखाना है सर। ओके ठीक है किया। हाँ सर तो फिर सर अगर हमने ए वाला अगर डायगोनल निकाला सर ए बी का सर ठीक है ना सर और फिर इसका अगर हमने स्क्वायर का सर अगर एरिया निकाला सर सर और फिर सर उसको बाय टू किया सर ठीक है सर तो ना वो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना सर ये इसको सर एक्स ले लेंगे सर ये ई और फिर सी को सर ई और सी ले लेंगे बस सर वैसे ही वैसे भी कर। हाँ वही चीज बता रहा हूँ मैं। हाँ सर वो उल्टा ट्रायंगल हो गया। हाँ सर पर सर इसके अंदर सर कुछ भी सर क्यूबॉइड व्यूबॉइड का सर कुछ भी झंझट नहीं है सर एक सिंपल सा एक्स स्क्वायर। राइट 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 एकदम सिंपल है सर ये। हाँ सर देखो तो अगर मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे डायगोनल क्या है इसी डायगोनल है क्या ये पहले बताइए आपको। Yes, sir. अब EC diagonal है तो can we say कि जो EC square है वो HE और plus CH का square होगा। हाँ सर क्या यश समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर उतना तो आया सर। हाँ उतना आ गया ठीक है। अब आप चीज बताओ ये CH किसके इक्वल होगा L square plus B square के इक्वल होगा क्या या सर अंडर रूट L square plus B square ना। एक मिनट इसको मैं यहाँ पे चलो साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए स्माइली को मैं भगाता हूँ यहाँ पे ठीक है। ये देखो ये ईसी डायगोनल है राइट रफ में ईसी स्क्वायर को क्या मैं एच ई स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या ये पहले बताइए। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए इसमें हाइट कौन है एच ई है या सी एच है ये पहले बताओ। सर एच ई। बहुत ही सुंदर तो एच स्क्वायर कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। अब सी एच जो होगा मेरे दोस्त जो सी एच की जो वैल्यू है क्या ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं ध्यान से देख कर बताओ। तो सी एच की वैल्यू तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी ना सी एच की। हाँ 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 क्या सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना सी एच की वैल्यू और सी एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सी एच स्क्वायर की वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि ओके ओके सर सी एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होगी क्या। हाँ सर होगी। तो हो गया ना फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ईसी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो ईसी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया सर। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ओके सर अभी समझ में आया आई वाज जस्ट
यू नो थिंकिंग कितने आसान तरीके से मैं समझा पाऊँ. इट्स वेरी सिंपल राइट. यहाँ पे कितने लोगों को ये समझ में आया ये पहले बताए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट. हाँ सर गॉट इट. प्लीज कैन यू सी योर हैंड्स. कितने लोगों को समझ में आया. यस सर अंडरस्टूड सर. ओके आर्यन यश. सर मुझे नहीं आया सर. ओके कोई बात नहीं. बहुत लोगों को शायद नहीं आया आई थिंक. तनिष्क नहीं समझा क्या आपको. तनिष्क नहीं सर इतना नहीं. अच्छा वेदांत आपको समझा. सर एक्चुअली मैं एक बताऊं क्या सर. नहीं सर. अच्छा नहीं समझा सर. हाँ सर उनको मेन ये नहीं समझा होगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हो गया सी एच स्क्वायर के इक्वल. वो तो नॉर्मल पाइथागोरस ही है ना. पाइथागोरस तो आप लोगों ने पढ़ते आए होंगे. मैं भी फिर से वही बता रहा हूँ. मैं श्रुति समझ में आया क्या आपको. सौरभ प्रयाग मिताली डिड यू गेट इट. सर थोड़ा थोड़ा. ओके थोड़ा थोड़ा. देवांश शर्वरी नील. यस सर. ओके चलिए देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात है. अच्छा इसमें एल और बी कौन है जरा बताओ. पहले यही पूछ लेता हूँ. लेंथ क्या है ब्रेड्थ क्या है. इधर बताइए आप लोग. इसके वाइड सीडी लेंथ है सर. सीडी लेंथ है. ब्रेड्थ कौन सा है सर. सीजी या डीएच. सीजी या डीएच. बहुत ही सुंदर. अब एक बार पूरी एनर्जी से पूरी एनर्जी लगाकर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए. मैं एक बार फिर से बता रहा हूं यहाँ पे ये कैसे आया. मैं आपके लिए ताकि समझ में आए इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन भी बता रहा हूँ. वैसे एग्जाम में तो डेरिवेशन पूछे नहीं जाते हैं. तो ये ईसी एक डायगोनल है राइट. तो ईसी को क्या मैं एच ई का स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या. ये पहले बताओ. हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम. ये 90 डिग्री है. बताइए अभी किसी को फील नहीं हो रहा है कि सर ये 90 डिग्री कैसे होगा. तो ये बुक्स ले लो. सबसे सिंपल सी बात है. ये बुक्स पे सारे देख रहे हो 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं. हर जगह जिधर कॉर्नर से वहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. यस सर. सर यू कैन टेल दैट बाय द नीचे वाला जो है ना सर प्लेन सर वो एक्स एक्सिस है और ऊपर हाँ, वाला जो प्लेन है वो वाई एक्सिस है सर क्योंकि वो स्टैंडिंग है. राइट राइट. तो ये जो है ये ई सी एच एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो सी एच इसके लिए सॉरी ई सी जो हो गया एक हाइपोटेनस हो गया. तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एच ई स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर होगा. हाँ या ना पहले इतना बताओ. हाँ सर. हाँ राइट. अब एच ई स्क्वायर के बारे में ये तो हाइट ही है ना दोस्त. देखो ये हाइट ही है ना और कुछ तो हो नहीं सकता. ये हाइट ही है राइट. यस सर. मुझे उन लोगों से आवाज चाहिए जिनको समझ में नहीं आ रहा था. अगर आ रहा है समझ में तो पर थोड़ा तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा. विजुअल आ रहा है. तो एच ई की जगह हम इसको एच स्क्वायर लिखे. अब जरा सी एच के बारे में देखो. ये सी एच स्क्वायर है. तो सी एच स्क्वायर के लिए लेंथ ये हो गया. ब्रेथ कौन सा रहेगा सर. सी जी या डी एच. सी जी या डी एच. बहुत बढ़िया. या तो डी एच या तो सी जी. हमने किधर लिखा है यहाँ पे जी रखा था क्या. हाँ सर. तो सही है ना. तो सी एच स्क्वायर को क्या हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते सर. लिख सकते हैं. और ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. ये 3D फिगर है. उसी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि 90 डिग्री कैसे हो रहा है. आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आप मुझे ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट. नहीं सर फील हो रहा है सर. फील हो रहा है ना सर. 90 तो दिख रहा है सर. हाँ अमोक आपको दिख रहा है. थैंक यू. कितना मैं सारे इश्यू से जिसमें बता रहा हूँ कि कैन वी थिंक अरे ये सी एच स्क्वायर को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकता. हाँ सर. हाँ सर लिख सकते हैं. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अरे यहाँ भी थोड़ा जिद्दी बननी चाहिए ठीक है समझने के लिए. यहाँ पे हाँ सर वो हाँ सर सी एच स्क्वायर को लिख सकते हैं ना. लिख सकते हैं ना. बी स्क्वायर. हाँ सर क्लियर है सर. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
अभी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है सिंपल, ईसी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नॉर्मल ये है कैलकुलेशन है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बाकी भी डायगोनल हर डायगोनल यहाँ पे सेम होगा ऐसे ही निकाल लेंगे बस। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बाबा? नहीं सर क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है? देयर कैन बी नथिंग यू नो, मतलब इससे ज्यादा इजीएस्ट मेथड और कुछ नहीं होगा। सिंपल हमने आपको ऐसे यहां पे विजुअलाइज भी कराया, 90 डिग्री भी है, लेंथ ब्रेड है, हाइट हो रहा है और इस तरीके से आ रहा है। वैसे भी डेरिवेशन आपको हर चीज, बहुत कम बच्चों को अगर मैं पूछूं तो बहुत कम बच्चों को डेरिवेशन याद रहता है राइट। बताइए अब कितने लोगों को समझ में आया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट? कितने लोगों को आया? सर आया, समझ में आया। ओके तनिष्क समझा क्या? अभी थोड़ा तनिष्क की तरफ से देखते हैं। हाँ सर। क्यों आवाज बड़ी स्लो आ रही है? सर स्लो सर, वो मैंने हेडफोन निकाले मेरे इसलिए। ओके समझ में आया अभी पक्का? हाँ सर पक्का ना? हाँ सर मैं जबरदस्ती नहीं बुला रहा हूँ, आज समझ में आए तो बताना। मिताली क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग इसको विजुअलाइज भी करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा एक्चुअली राइट। एनीवे आपसे डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ स्टूडेंट है कि काफी क्यूरियस रहते हैं कि ये कैसे आया, तो मैं सोचा कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे तो सर समझ में आ गया सर, मैंने कर लिया। Is there anyone who has not understood? नहीं सर। नील हाथ उठाया, लगता है नील को समझ में नहीं आया। नील आपको नहीं आया? No sir, understood sir। अवधूत आपको नहीं आया क्या? अवधूत सर ऐसे डाल सर आया सर। अच्छा आपने you have raised your hand, so I thought you could वो पहले का है जिनको आया था। ठीक है तो देखो कितना प्यारा फिगर बना है, देखो कितना अच्छा ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ सकते हो सर। हाँ फिर हम आगे थोड़ा जाते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्यूब में सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होता है। तो उसमें अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में तुमने बात ही नहीं किया दोस्त। तो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाता है? L into B into H लिख लें नीचे, फिर हम क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू L into B into H, क्यूबिक यूनिट राइट? अब स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, बस उसमें साइड जो है ना L लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है तो क्यूब के बारे में सर टोटल सरफेस एरिया उसका 6L² हो जाता है। मैं भी ना सर, और फिर लैटरल सरफेस एरिया 4L² हो गया सर, और फिर ये क्या बोलते हैं सर उसको, डायगोनल भी सर वैसे ही निकालेंगे सर जैसे रेक्टेंगल के अंदर निकाला था क्यूबॉइड के अंदर। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बाद आपने कुछ बोला क्या सर? नहीं बी एच के बाद। हां एल इनटू बी इनटू एच क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट मैंने बताया था। मस्त है ना क्यूब यार, कितना प्यारा दिख। हाँ सर बढ़िया। ए बी सी डी ई एफ, जी दे दिया यहाँ पे, एच दे दिया और ये बी दे दिया, ए एच है एल है, एल बी एच सर वो तो इक्वल होते हैं ना? हाँ मतलब वो दिखाने के लिए कि L B H इक्वल होते हैं।
इनाम सिर्फ ये किया है कि हम ऐसे समझ सकते हैं लेंथ एंड ब्रेथ के हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट तो होगा, एल बी एच इक्वल होते हैं, बट लेंथ ब्रेथ हाइट तो होता है ना उसमें, ये मैं बोल रहा हूँ। आप उसको एल एल भी लिख सकते हैं, बी बी भी लिख सकते हैं, एच एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिखो ही मत, फिर एल 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 लिख सकते हैं, बट वो एक बार जस्ट दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया है ना, ठीक है। यस सर, तो फॉर अ क्यू यहाँ पे लिख देता हूं, एल बराबर बी बराबर एच, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया, क्या बात है संस्कृति इतनी जल्दी आ भी गई आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो फॉर्मूला वही है, ओ मैंने एक पेज छोड़ दिया है, क्या है आपको, ठीक है, ये पेज डिलीट। सर इसका डायगोनल का भी मैंने डेरिवेशन कर दिया सर। अरे सेम रहेगा उसमें, क्या इजी हो गया क्या है ना, वहां पे सारे एल बी एच इक्वल हो जाएंगे और क्या। हाँ सर राइट, तो देखो टोटल थ्री एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एल बी एच इक्वल हो जाता है, तो 2 इंटू एल इंटू बी, बी के बीच जगह एल, फिर एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, तो 12 कितना हुआ ये 6L, सॉरी एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 6L स्क्वायर, मतलब 6 एज स्क्वायर या साइड स्क्वायर लिख लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया अब क्यूब जो हो गया वो कितना हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर। वैसे लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर, राइट। बस अंतर यही है कि यहाँ पे एल बी एच इक्वल हो जाता है, तो क्यूबॉइड में 2L स्क्वायर हम माइनस कर देंगे सर, राइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हो जाता है वो 4L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर और नीचे का घटा रहा है ना, सारे तो इक्वल है, तो टॉप और बॉटम का हटा दो 2L सर, स्क्वायर लिख रहा था सर, अभी तो ये तो मैं लिख रहा हूँ यार 4L स्क्वायर, पहले मुझे ये लिख लेने दे, फिर बाद में आपको लिख लेना है 4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टॉप और बॉटम का L स्क्वायर एरिया हो रहा है, तो ऊपर और नीचे का हटा दिया 2L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया में से 2 साइड स्क्वायर घटा दिया तो 4 साइड स्क्वायर बच गया, घटा लो सर। फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, यहाँ पे सेम जो क्यूबॉइड में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो क्यूब में एल बी एच इक्वल होते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो रूट 3L स्क्वायर, सर तो कितना हो जाएगा रूट 3L हो गया, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब विल बी रूट 3L, एंड द लास्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या था L इंटू बी इंटू एच, यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल, मतलब L क्यूब मतलब साइड क्यूब हो। सर अभी का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या फिर आगे का, पहले इतना जितना किया इससे थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला हो जाएगा ना। क्वेश्चन सर अलग, क्यूब एंड क्यूबॉइड में बहुत अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन अच्छे थोड़ा मिलेंगे, सिलेंडर और ये अगर मैं बता दूंगा ना तो फिर उस पर ज्यादा, बट आज थोड़ा इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्या हो गया सुमन?
क्या हुआ सुमन? सर सुमन खुश है सर? नहीं सर, स्माइली भेज दिया मैंने। अच्छा हो गया क्या? अच्छा ये लिखना चाहते थे ना, यश आपका हो गया? You wanted to write? लिख के हो गया सर, हो गया। अच्छा आपको ये वाली पेज लिखनी थी क्या? You wanted to take a screenshot I think? नहीं सर, नहीं सर, हो गया ये तो कब का हो गया? पक्का ना? पक्का सर एकदम। मुझे लगा दुखी हो गया यश। नहीं सर एकदम खुश हूँ, मेरा आवाज मतलब कट रही है कि एकदम क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। चलिए आगे बढ़े क्या फिर? हाँ सर, क्वेश्चंस। एवरीवन नोटेड? नोटेड यस सर। क्वेश्चन फिर करेंगे अभी सर। नॉट नोटेड का ऑपोजिट सर? अच्छा मतलब नोट। अरे वाह चलो लिखो क्वेश्चन। लिखिए एक बार, सबको ही बता दो यार, एक बार अनम्यूट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है मुझे। हाँ सर समझ में आ रहा है मुझे। हाँ सर समझ में आ रहा है मुझे। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ सर। थैंक यू सर। इसकी ना सर एक टेप बनानी चाहिए सर। जिसको जिन्होंने नहीं बोला होगा अभी भी बोल सकते हैं कि समझ में आ गया सर। वो क्या होता है ना कि टीचर्स के लिए अच्छा लगता है थोड़ा, जब तक पता नहीं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे चलिए। यस सर अंडरस्टूड। थैंक यू। चलो लिखो क्वेश्चन अभी। लिखिए द पेंट, वो पेंटिंग वाला एशियन पेंट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। द पेंट, कौन सा पेंट? इंडिया नंबर वन फर्निश्ड पेंट्स। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट The paint in a certain container is sufficient to paint an area. मुझे पता नहीं, जब मैं छोटा था ना स्कूल में, जब था 4-6 में, तो पेंटर को देखता था पेंटिंग करते हुए, तो ऐसा लगता था अरे कितना मजा आता होगा उसको पेंटिंग करने में। ऐसे to paint an area। हाँ सर मुझे भी कभी कभी लगता है सर, वो रोलर से करते हैं ना। बढ़िया एकदम। टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर हाउ मेनी ब्रिक्स, जहां पे ब्रिक्स बनता है आप लोगों ने देखा है? How many bricks? Can be painted out ईशान समझ में आ रहा है क्या? डियर ईशान। हाँ सर। आपको वो चीज़ सर 7.5 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखा आपने? एक मिनट। हाँ 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड, ये पेंटेड का कमाल है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। आई विल रिपीट, ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, ब्रिक्स का डायमेंशंस दिया है LBH 22.5 into 10 into 7.5 can be painted out of this container.
This is a question for all of you. Please try to solve and let me know the answers once you are done. जिसका आंसर आ जाता है बता देगा। एक सर्टेन कंटेनर है, इस इतना एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर को मतलब पेंट करना है, ऐसे समझ जाइए, ठीक है। बट उसको इतने पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, अच्छा अवधूत सही है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि कैन यू फाइंड आउट कि सरफेस एरिया ऑफ वन ईच ब्रिक। हाँ सर, हाँ सर। Yeah. 2 into LB plus BH plus LH. Yeah. Surface area of each brick equal to 2 into LB. LB का मतलब क्या है? Length into breadth. Length into breadth. Plus BH or HL, right? आर्यन नहीं, थोड़ा गलत। नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में कैसे आएगा आर्यन? आप इसका मतलब ईंट्स को थोड़ा तोड़ोगे क्या? मतलब जस्ट अच्छा राउंड ऑफ किया आपने? नहीं, बहुत ज्यादा आ गया है आपका, कैलकुलेशन एरर आई थिंक। सर एक्चुअली राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ नहीं नहीं, उनका एक्चुअली गलत हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होगा ना? ठीक है, हाँ सर यही होगा। 225 आ जाएगा, 75। ये कितना आ रहा है? 148 22.5 into 7.5। 1 मिनट मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या? 1 सेकंड सर, 168.75। यस, 168.75। तो ये टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कर सर? पूरा होने के बाद 937.5 आ रहा है। हाँ सर, 937.5 सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरा आंसर करेक्ट है? तनिष्क जी बहुत ही सुंदर है यार, मन खुश हो गया। ओके सर, मैं सर्किजन नहीं कर रहा हूँ, आप फिर बोलोगे कि सर सर्किजन कर। नहीं सर, वो पता है। So 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक। हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो मान लो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी n, राइट? तो लेट सर अपने सर बोलो सर 225 बाय 10 लिखना चाहिए था ना सर? क्यों बाय 10 क्यों? सर क्योंकि वो 22.5 है ना सर? हाँ, तो इनटू 10 किया है ना दोस्त, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं 225 लिखा सर। पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना सर? अरे मेरे, क्यों नहीं कर सकते है? सर 225 बाय 10 इनटू 10 ये कोई थोड़ी है, अभी नाइन्थ में आप लोग आ गए, हमेशा कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही करेंगे, ऐसे करना कोई जरूरी है नहीं सर। डायरेक्ट डेसिमल सर, अभी अभी समझ में आ गया कि एक जीरो डाल दो, एक डेसिमल के बाद में, एक जीरो के बाद में ये डेसिमल डाल दो 225। हाँ सर, मैं भूल गया था सर। सर मैं ये भूल गया था सर कि वो तीन क्वांटिटीज में एक 10 है सर। राइट, तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स है, लेट n नंबर बी द रिक्वायर्ड ब्रिक्स, जितना चाहिए, लेट n बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स। रिक्वायर्ड लिख दिया तो पूरा काम हो जाता है आपका, मतलब जो चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल क्या है? n इंटू 937.5 बराबर 9.375 मीटर स्क्वायर है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अच्छा, तो चलो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको पता है क्या? 93750 या तीन, तो 93750 आ गए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये डेसिमल है ना? नहीं, हाँ जी ये डेसिमल है। तो 93750 बाय 937.5, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 9375। अरे बच्चे की तरह ये सॉल्व कर देते हैं, जीरो जीरो। तो n इक्वल टू 100 ब्रिक्स आ गया।
हाँ सर 100। हाँ सर आर्यन समझा क्या कहाँ गलत हुआ था? हाँ सर। हाँ सर बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। देवान समझ में आ रहे हैं? आदित्य पीसीएमसी? यस सर। ओके बहुत शांत रहते हो आदित्य, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी बोलिए। बहुत इज वेरी साइलेंट। वेरी बैड फीवर। आर्यन ध्यान रखो यार। क्या हुआ सर? आर्यन को फीवर है एक्चुअली, बट स्टिल ही इज अटेंडिंग लेक्चर्स, वेरी गुड, बट ख्याल रखना है अपना भी। शर्वरी समझ में आ रहा है? मिताली डिड यू गेट इट? अच्छा आपने तो सॉल्व कर लिया था। हाँ आपने सॉल्व किया था। सर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? नहीं सर अभी नहीं। अभी नहीं सर, वो ब्रेक कर रहा था सर। 10 सेकंड के लिए होता है एकदम, लगता है ओह क्या हो गया। चलो ठीक है। ओके राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। एक और तो बनता है ना, एक और कोशिश करना ही चाहिए। लिखो क्वेश्चन। लिखो सर बोलिए ना। हाँ लिखो ना आर्यन। The capacity of a cuboidal tank, सर आप बढ़िया मजाक करते हो। The capacity कभी कभी कर लेता हूँ आप लोग के लिए। The capacity of a cuboidal tank. The capacity of a cuboidal tank is 5000 liters of water. सर ये उसका वॉल्यूम हो गया है ना? हाँ वही तो होना चाहिए, मुझे वही लग रहा है। सर capacity is maximum volume. The capacity of a cuboidal tank is 5000 liters of water. Find the breadth of the tank. सर वो 5000 लीटर है ना? हाँ 5000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, if its length and depth are respectively (2.5 meters and 10 meters) the question. Yeah. Okay, कोई बात नहीं। So concept ये समझना है कि 1 meter cube में 1000 liter होता है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो आप पहले ये तो जान लें कि 5000 लीटर में कितना वॉल्यूम इसका मतलब हुआ। तो 5000 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 कर दो आप, तो 5 meter cube मतलब वॉल्यूम आ गया। और 5 meter cube इक्वल टू वॉल्यूम मतलब लेंथ दे रखा है 2.5, ब्रेथ निकालना है, डेप्थ दिया है 10, हंसते खिलखिलाते हुए बी की वैल्यू 5 by 2.5 into 10। ओहो मतलब 5 by कितना हो गया ये? 25 सर, 5 by 25 जो कि 0.2 सर। एक मिनट। हाँ तो जो कि 0.2 meter आ गया ब्रेड। हाँ सर। तो देर अभी इसके अंदर एक और जीरो ऐड कर देंगे सर, फिर आ जाएगा। हाँ मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 50,000 लिया है तो 50,000 के अकॉर्डिंग 2 meter आ जाएगा, और 5,000 लिया है आपने तो 0.2 meter आ जाएगा।
सर ओके सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए सर अभी लीव कर सकते हैं थैंक यू सर बाय सर बाय 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 सर मुझे आपसे पूछना है बाय सर ठीक है आप रुक सकते हैं चलिए बाय 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 आर्यन टेक केयर दवा लो यार रेस्ट लो सर आज ही सर मैंने सर वो डाबर अनीतस लेके आई हूँ क्या लेकर आया डाबर अनीतस बाय बाय डाबर अनीतस होता है ना सर आपको पता है नाम सुना हाँ सर वही लेके आई हूँ मैं